आइए गुरुदेव, आइए। सेनापति जी, प्रेम युद्ध की ये उत्तम धैपटा समाप्त हुई। चंद्रमा समान राजकुमारी चंद्रमुखी का चंचल और शरीर मन प्रेम रस में मलियामेटिक हो गया। महाराज, तो क्या मैं समझ लूं मेरी आशाएं सफल हो गईं? मेरे जीवन का कष्ट समाप्त हो गया? ये जीवन एक लंबी कष्टिम कष्टिक यात्रा है बालक। एक कष्ट आता है तो दूसरा कष्ट जाता है, तो तीसरा कष्ट आता है तो चौथा कष्ट जाता है। महाराज, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये आवन जावन, ये भादों सावन, गर्मी सर्दी और रात दिन की खटाखटिक रेल पेल बदलती रहेगी, मगर मनुष्य के हृदय में गड़ा हुआ प्रेम का फौलादी खंबा अटल गड़ा रहेगा। सत्य है या झूठ राजकुमारी? ओड़ी नालम इंगे पोदे इल्ले तांडो मनराज इंगे पड़ियल वंद पायंद वडम वंद पायंद वडम वंद पायंद वडम। आपका काम पट गया महाराज? महाराज, आपकी कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है, ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। साधु संतों को धन दौलत का लोभ नहीं होता सेनापति। महाराज, आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना महाघोर पाप है, ले लीजिए ना। इस मूरख बालक के बेडौल शरीर से अनेक संसारिक बदबू आती है राजकुमारी। किंतु महाराज, इस मूरख का कोमल मन ना तोड़िए। ना तोड़ू? ना। तो लाइए जनाब। जालिम सिंह, जादू, जालिम सिंह। भैया की खोज करते करते हम लोग खुद भी खो जाएंगे। आंखें छोड़ो बेटा, भगवान में सब कुछ शक्ति है। भगवान की शक्ति देख रहा हूँ माँ, बिजली की कड़क, बादलों की गरज, आंधी तूफान। नहीं नहीं बेटा, प्रभु के चरणों में ऐसी बातें नहीं किया करते। वो इस तूफान को जरूर रोक देंगे और मेरे बेटे को मुझसे मिला देंगे।
मेरे बच्चे को मुझसे मिला दो, मुझे बता दो कि वो कहाँ है, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। राजकुमारी चंद्रमुखी, बोलते क्यों नहीं महाराज, तुम्हारी उस सुरीली आवाज को क्या हो गया? मैं नहीं जानता था कि संगीतकार महाराज तबले की ताल पर नाचने वाला एक ओछा नट है। तुम अपने नटपने का इतना भारी इनाम पाओगे महाराज कि जिसके बोझ से तुम्हारा गला मीठी तानों के बजाय दर्दनाक चीखों का आलाप करेगा। तुम्हारे हाथों में यही लोहे की चूड़ियां होंगी और तुम्हारे पैरों में इन्हीं जंजीरों के कड़े होंगे। तुम एक नया सॉन्ग रचाओगे और हम देखेंगे। राजगढ़ की जनता और दरबारियों को मालूम हो कि आज इस दरबार में सबके सामने एक संगीन मुकदमे का फैसला किया जाएगा। सबके सामने जुर्म परखा जाएगा और मुजरिम को उसकी सजा दी जाएगी, ताकि लोग सबक हासिल करें और ये याद रखें कि हमारी हुकूमत में कानून और इंसाफ के साथ साथ हम भी अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। फरियादी हाजिर किया जाए। मैं कैलाश नगर के दीवान की पत्नी हूँ। आपकी अदालत और उसके इंसाफ से अपने देश और उसकी प्रजा का हक मांगने आई हूँ। हमको अपनी राजपूती आन की सौगंध है कि अगर हमने या हमारी हुकूमत ने आपका कोई हक छीना हो तो वो आपको आज इसी वक्त इसी दरबार में लौटाया जाएगा। कैलाश नगर के राजकुमार राणा देवेंद्र प्रताप को कैद और जुल्म की बंदिशों से आजाद कर दी। कौन है वो बदबख्त जिसने हमारे अजीज राजकुमार को कैद करने की जुरत की? वो मनहूस और बेअदब आदमी राजगढ़ का सेनापति है। बिल्कुल गलत महाराज, सारा दरबार जानता है कि कैलाश नगर के दीवान बहादुर ने राजकुमार के मरने खबर खुद हमको दी, जिसके कारण उनके राजतिलक की रस्म भी पूरी न हुई। महाराज मैंने जो कहा है सच कहा है। क्या सबूत है आपके पास कि मुर्दा राजकुमार अभी तक जिंदा है? क्या सबूत है कि मैंने उसे कैद कर रखा है? सबूत मैं महाराज, मैं गवाह हूँ कि राजकुमार जिंदा है और सेनापति की हिरासत में है। ये कायर इंसानी लिबास में एक भेड़िया है। अपनी हवस और लालच के इस गुलाम ने यह भी कोशिश की कि राजगढ़ और उसके महाराज की इज्जत नोच कर अपने पैरों से कुचल दे। राजकुमारी, हम सबके सामने जानना चाहते हैं कि हमारी इज्जत पर कौन सा ऐसा हमला किया गया। कैलाश नगर के सफर में आपकी बेटी को शाही खेमे से जबरदस्ती उठा ले जाने वाला बुजदिल यही सेनापति है। सेनापति, क्या ये सच है? हम जवाब तलब करते हैं, क्या ये सच है? जी हाँ महाराज। बेगैरत, हम तेरे पापी शरीर को अपने क्रोध और नफरत की आग में जलाकर राख कर देंगे। हम तेरे बदन से बोटियां नोच कर भूखे कुत्तों के आगे डाल देंगे। गिरफ्तार कर लो इसे, ये कमीना जिंदा रहने के लायक नहीं। सिपाहियों, क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो इसे। गालिम सिंह, हम क्या कह रहे हैं? कहते हो? बेवकूफ बुड्ढे, तूने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। हम सोच रहे थे ये काठ का उल्लू चुपचाप पिंजरे में बंद पड़ा रहेगा, लेकिन तूने चिल्ला चिल्लाकर अपनी मौत को बुला लिया है। तुम सब बागी हो गए हो, हम तुम्हें इस बगावत की सजा देंगे। नहीं, 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 बगावत, नहीं, नहीं। ये राजकुमार, ये सिंहासन हमारा है। अब तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी है। नहीं, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। मैं एक एक को फांसी के दरवाजे में लटका दूंगा। Thank you.
वक्त बहुत कम है, फौज को हुक्म दीजिए हमको फौरन राजगढ़ पे हमला करना चाहिए। राजकुमार की जिंदगी खतरे में है। राजकुमार की जिंदगी नहीं, हमारी उम्मीदें खतरे में है। ये राजपाट खतरे में है। नमक हराम सेनापति ने बगावत कर रखी है, राजकुमारी और राजकुमार दोनों उसकी कैद में है, और बूढ़े महाराज तो शायद अब तक कत्ल भी हो चुके होंगे। ऐसा होना भी चाहिए, कमजोर राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप स्वर्गवासी महाराज की वसीयत को भूल गए? वो भूल जाने ही के काबिल थी। सुरेंद्र मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर ताज्जुब हो रहा है, सुनने में नहीं आता? कैलाश नगर का सिंहासन तुम्हें आवाज दे रहा है। मैं इसकी आवाज को सुन रहा हूँ पिताजी। ये सिंहासन राजपूती खून की आन और वफादारी को ललकार रहा है। जाहिर लड़के तुम इस राजधानी के मालिक बन सकते हो। मैं ऐसे राज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, धोखे और फरेब पर खड़ा हो। अच्छा तो तुम मेरे खिलाफ बगावत का ऐलान करना चाहते हो? अगर इंसाफ और वफादारी को राजपूत बगावत कहते हैं तो आज से आप मुझे बागी समझिए। नजर झुका बदतमीज, इस गुस्ताखी की सजा जानता है? मौत से ज्यादा क्या दे सकते हो? हम तुझसे बदला लिए बगैर तुझे मौत के दामन में नहीं छुपने देंगे। तुम्हारे खून की हर बूंद, तुम्हारी जिंदगी की हर सांस हमारे पास गिरवी है। जालिम सिंह, राजकुमार की इन गुस्ताख आंखों से रोशनी छीन लो, सुलगते हुए लोहे की गर्म सिलाखों से इनकी पुतलियां जला दो। करती हूँ मेरे बच्चे का जीवन अंधेरा न करो महाराज। नहीं नहीं महाराज, मुझ पर नदी पर दया करो, मेरी जान ले लो, मेरी आंखें फोड़ दो, राजगढ़ की प्रजा की अमानत उन्हें वापस कर दो। घबराओ नहीं, हम वादा करते हैं कि अपना कर्ज और उसका सूद लेने के बाद राजकुमार की लाश तुम्हारी गोद में डाल देंगे। नहीं 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 महाराज, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। चाची, हम तुम्हारी ममता का अपमान नहीं करेंगे। जालिम सिंह, बदनसीब बेटे को उसकी माँ के सामने सजा दी जाए, आगे दोनों को जुदाई का गम न रहे। ले जाओ। आने दो। मैं नए महाराज को मुबारकबाद देने आई हूँ और साथ ही उनसे उनका पहला इंसाफ मांगने भी। क्या चाहती हो नर्तकी? इस फरेबी की आंखें। मतलब? इन आंखों ने मुझे धोखा दिया महाराज, मोहब्बत के सब्ज बाग दिखलाकर मेरा जीवन लूट लिया। मैं इनसे बदला लूंगी। अच्छा कैसे? इनकी रोशनी छीन कर मैं अपने मन में उजाला करूंगी। दिल तो नहीं कांप उठेगा नर्तकी? दिल नहीं पत्थर है सीने में महाराज, पत्थर है। अच्छा तो इस सुलगते हुए लोहे की आंच से इन फरेबी आंखों की पुतलियां जला दो। जाओ नर्तकी, मुजरिम के शरीर पर कोई दाग न लगे, हम किसी को ये वचन दे चुके हैं। ऐसा ही होगा महाराज,